हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस तो जी आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक जो कि है मिकॉन्ग गंगा कॉपोरेशन यानी कि MGC की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले देखो जी हम सभी जानते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और भारत भी ये समझता है इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बात लागू होती है कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनसे हमारी नहीं बन पाती बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पड़ोसी से बातचीत ना करें जो पड़ोसी से नहीं बनती उसको छोड़ दें बाकी से अपनी बातचीत जो है आप वो बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया ने अपने आस पड़ोस के देशों के साथ कुछ कॉपरेशन एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हुए हैं अलग अलग फॉरम्स पे कॉपरेशन है जो चल रहा है अब यहीं पर आ जाता है जी मिकॉन्ग गंगा कॉपरेशन सर ये मिकॉन्ग गंगा क्या है गंगा तो आपको मालूम है ना गंगा हमारी नेशनल रिवर है ंग भी जो है वो एक रिवर है ये बेसिकली आपकी साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पोर्शन है वहां पे ये जो रिवर है आपकी फ्लो करती है तो साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज हैं उनके उनके साथ साथ इंडिया अपने बेहतर संबंध बना हैेशन कर रहा है और उसी का है ये हमारा फॉरम मिकॉन्ग गंगा कॉपरेशन तो इसी की अभी मीटिंग हुई थी जी और उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हाईलाइट भी किया था कि अगर हमें कोविड 19 पेंडेमिक को टैकल करना है तो मिलकर जो है रिस्पॉन्ड करना होगा मिलकर मेहनत करनी होगी काम करना होगा तो आइए जी बात करते हैं एम जी सी मिकॉन्ग गंगा कॉपरेशन के बारे में जानते हैं इसके बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में तो ये वाला जो हमारा इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो साल 2000 के अंदर हुई थी इस इनिशिएटिव के अंदर कुल छह कंट्रीज आती हैं, छह देश जो हैं इसका पार्ट बने हुए हैं एक तो हमारा भारत हमारा इंडिया ही होगा उसके अलावा हमारे कुछ पड़ोसी देश कौन कौन से देश हैं जी आइए देखते हैं एक आपका आ गया जी म्यांमार एक आपका यहां पे कौन सा आ गया कंबोडिया आ आ गया एक आपका यहां पे थाईलैंड गया लाओस आ गया यहां पे और आपका वियतनाम आ गया तो इंडिया के साथ ये पांच देश इसके अंदर यहां पे ऐड हो जाते हैं तो इंडिया म्यांमार कंबोडिया लाओस थाईलैंड और वियतनाम और इन्हीं कंट्री से आप देखें मिकोंग रिवर जो है वो फ्लो कर रही है तो ये वाली जो आप देख रहे हो ना ब्लू लाइन दिस दिसोट्स मिकॉन्ग रिवर तो मिकॉन्ग रिवर ऐसे चाइना से आ रही है जी फिर आपकी ये म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम इन सभी देशों को जोड़ रही है और इसीलिए मिकॉन्ग गंगा कॉपोरेशन इसका नाम हमने रख दिया एरियाज ऑफ कॉपरेशन हमारे क्या बनते हैं देखो चार मेन एरियाज हैं कॉपोरेशन के एक तो है जी हमारा कल्चर कल्चरल टाइज को बढ़ावा दिया जाए एक है एजुकेशन एक है जी टूरिज्म और एक है ट्रांसपोर्टेशन तो इन चार मेन एरियाज पे यहाँ पे फोकस किया जाता है देखो जो भी हमारी कॉपरेशन एग्रीमेंट्स होते हैं समझौते होते हैं उसके अंदर आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है इवेंचुअली हमारा फोकस होता है कि कैसे हम अपना इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ा सकें और यहां पे भी टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन आपका इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है गंगा और मिकोंग रिवर के बेसिस पे इसे नाम दिया गया और ये दोनों पुरानी सिविलाइजेशनल रिवर्स हैं तो प्यारे दोस्तों इंडिया के लिए मिकॉन्ग रीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला रीजन है तो हमने देखा कि जो इंडिया के पड़ोसी देश है इंडिया को उनसे बहुत अच्छे संबंध बनाने जरूरी है देखो क्या हो गया जी यहाँ पे एक तरफ हमारे पास चाइना बैठा हुआ है एक तरफ हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ है तो कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो कम से कम जो बाकी देश बचे उनसे हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आती है कोई इश्यू हो जाता है तो कुछ देश तो हमारे साथ खड़े होने चाहिए इसीलिए इंडिया को उन कंट्रीज के साथ कॉपोरेट करना है इसीलिए इंडिया उनके साथ कॉपरेट कर रहा है फोकस कर रहा है कि कैसे उन चार फोकस एरिया पे काम किया जाए जो कि भी आपके साथ डिस्कस किए कनेक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम यहाँ के लोगों को इंडिया के लोगों को उस रीजन के लोगों के साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं हमारे जो शेयर्ड जोग्राफिकल यानी कि हमारी जो बॉर्डर मिलते हैं हिस्टोरिकल टाइज हैं सिविलाइजेशनल टाइज हैं जो हमारे पुराने जमाने के टाइज हैं उनको देखते हुए इन देशों के साथ इंडिया कॉपरेशन जो है वो कर रहा है तो यहां पे है जी आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स ये था जी आज का हमारा डिस्कशन अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इस वीडियो पे जरूर अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए और अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज को लेकर तो आप विजिट कर सकते हैं जी हमारी वेबसाइट हमें मेल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और फ्री नोट्स के लिए आप हमारी जो फ्री एंड्रॉइड ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट